चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, आई मेरी चोनी टिक टिक टिक, ये अरे बाय 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 बाय। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हुए हैं पटियाला की बारादरी में। मैं हूँ रिधि और स्वागत है आप सबका मेरे व्लॉग में। बारादरी पटियाला की बहुत ही फेमस प्लेसेस में से एक जगह है। ये बेसिकली एक गार्डन है जिसका नाम पड़ा बारादरी क्योंकि इसके जो दरवाजे हैं वो 12 है। ये गार्डन फुल ऑफ ग्रीनरी है, यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ हैं। पेड़ बड़े होने के साथ साथ इतने पुराने हैं, आई कैन शो यू, यहाँ पे 120 साल से पुराने पेड़ भी मौजूद है। सी पीपल आर रनिंग आफ्टर जिम, अपना वेट कम करने के लिए वहाँ पे पसीना बहा रहे हैं, जो किसी हद तक बुरा नहीं है। बट यस, ऐसे गार्डन्स जहाँ पे नेचर हमें इतनी नेचुरल हवा, ठंडी हवा, फ्रेश हवा दे रही है, जहाँ पे वी कैन मेक आवर हेल्थ मोर बेटर एंड मोर ओवर हमें जो नेचुरल ऑक्सीजन मिल रही है उससे जो स्किन पे ग्लो है वो लग जाता है। जैसे ही हम लोग यहाँ एंटर हुए हैं, आई कैन टेल यू, हम बैक साइड से एंटर हुए थे जहाँ पे स्टार्टिंग में नर्सरी है, और वहाँ पे जो कलरफुल फ्लावर्स थे उनको देख के जो स्माइल आती है फेस पे, दैट इज़ सो डिफरेंट, और हमें इतना अच्छा लग रहा है यहाँ आके। यू नो पीपल आर डूइंग डिफरेंट थिंग्स ओवर हियर। जैसे कि मैं आपको बताऊँगी, यहाँ पे एक प्री वेड शूटिंग भी चल रहा है, यहाँ पे लोग अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ राइटर्स आए हुए थे दिल्ली से, वो अच्छा लिख रहे थे इस गार्डन के ऊपर सर्च करके। तो बेसिकली ये गार्डन बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और यहाँ पे मेरा सोना बेबी अपने मामू को घोड़ा गाड़ी बना के